अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है यूट्यूब न्यू मोनेटाइजेशन पॉलिसी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूट्यूब की नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या है और इससे यूट्यूबर को क्या फायदा होगा और ये खबर किन किन के लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। चले वीडियो शुरू करते हैं। हमारी आज की वीडियो के की टू कंडीशंस हैं, दो पहलू हैं। पहले पहलू के मुताबिक ये खबर बिल्कुल सच है, यूट्यूब ने अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी में चेंज किया है, यूट्यूबर के लिए रिलीफ दिया गया है। आपका जो टारगेट है वो 1000 सब्सक्राइबर से 500 सब्सक्राइबर तक कर दिया गया है और जो आपका वॉच टाइम है वो 4000 से 3000 कर दिया गया है। और इसमें एक कंडीशन तीसरी और आखिरी कंडीशन ये है कि जो पब्लिक वीडियोज़ हैं, तीसरी और आखिरी कंडीशन ये है कि आपने आपके आपकी 90 डेज कम से कम 3 एक्टिव वीडियोज़ होनी चाहिए, आपने 3 वीडियो लाजमी पब्लिक करनी है। तो ये तो हो गया हमारी वीडियो का पहला पहलू। तो अब चलते हैं वीडियो के दूसरे पहलू की तरफ कि ये चीज़ किन किन के लिए है, ये पॉलिसी किन किन ममालक पर लागू होती है। ये पॉलिसी में जो चेंज है सिर्फ और सिर्फ US, UK, कनाडा, साउथ कोरिया और ताइवान के लोगों के लिए है। ये भी बताता चलूं कि ये पॉलिसी अभी तक पाकिस्तान और इंडिया पर लागू नहीं हुई है। हमारा टारगेट अभी भी वही है, हमने 1000 सब्सक्राइबर करने हैं, हमारा जो वॉच टाइम है वो 4000 घंटे है। और अगर हम शॉर्ट बनाते हैं तो हमारे लिए जो व्यूज़ हैं शॉर्ट के व्यूज़ वो है 10 मिलियन हमारे। तो आपने YouTube पर जितने भी वीडियोस देखी हैं और जितने भी थंबनेल लगे देखे हैं वो सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए बनाए गए हैं, इन वीडियो से आपको मिसगाइड किया गया है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आपको निराश करना नहीं बल्कि आप तक हकीकत पहुँचाना है। अगर ऐसी कोई भी न्यू पॉलिसी आती है या पॉलिसी चेंज होती है तो आपको मैं ज़रूर आगाह करूँगा और इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अगर आपको आज हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे चैनल की न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे।